दोस्तों, अगर अमेज़ॉन की लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी तो उससे विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी और सेल भी कम हो जाएगा। तो सप्रेस्ड लिस्टिंग कैसे डिटेक्ट करें और फिक्स करें, ये आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आप अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने हैं तो इसको टारगेट है 100 लाइक्स, 100 शेयर्स, 100 कमेंट्स और दूसरे वीडियोज़ भी देख लेना। ये चारों चीज़ ज़रूर कर देना। तो आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग के लिए इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री को क्लिक करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री के पेज आने पे यहाँ पे जो सप्रेस लिस्टिंग होएगी तो ये लिंक आ जाएगा। अगर सप्रेस लिस्टिंग नहीं हुई तो ये लिंक नहीं आ जाएगा। तो इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पे पहुँचोगे। यहाँ पे आपको जो पोस्ट करके ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे कॉलम है, इस पोस्ट को आप क्लिक करोगे तो जो भी लिस्टिंग सप्रेस्ड है वो लिस्ट में आ जाएगी। ये लिस्ट देखिए, और उसको कनेक्ट करने के लिए इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करके, मेरा मतलब राइट साइड पे ये एडिट बटन है, यहाँ पे करेक्शन करना है। और क्या करेक्शन करना है उसके लिए ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इशू डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफर इज पॉज फॉर पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज, क्लिक एडिट टू कंफर्म योर लिस्टिंग डिटेल्स एंड देन सेव एंड फिनिश टू रीएक्टिवेट द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पॉस्ट लिस्टिंग का मतलब ये है, सप्रेस्ड लिस्टिंग का मतलब ये है कि कुछ कुछ एरर्स होते हैं लिस्टिंग के अंदर। वो एरर्स आपको क्या फिक्स करने हैं वो आपको कैसा पता पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना ट्रेड ब्रांड नेम नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन में अपने ब्रांड को मेंशन नहीं करने का है। फिर डिस्क्रिप्शन क्या, फिर बुलेट पॉइंट्स, मैं आपको बता दूँ एडिट में जाके बुलेट पॉइंट्स में भी आपको ब्रांड नेम में नहीं डालने का है। कहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ब्रांड नेम नहीं डालने का है, और जो बुलेट पॉइंट्स है इसमें भी ब्रांड नेम नहीं डालने का है। मैंने डाला था तभी सप्रेस्ड हो गया था। दूसरा बात ये भी नोट कीजिए कि ऑफर में के अंदर आप देखिए कि प्राइस और MRP से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये देखिए, ये प्राइस का है और MRP देखो यहाँ पे, ये MRP देखिए, तो इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रखनी है। और ये रही दो बात, अभी तीसरी बात, HSN कोड नहीं डाला है तो डाल देना। तो इस एग्जांपल में HSN कोड मैंने ये डाल दिया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर नहीं डाला है तो भी सप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि नए फीचर्स है, मैंडेटरी है, मेनली ये चीज़ देखनी है। और वाइटल इन्फो में जाके आपको देखना है कि आपने बराबर नेम डाला है कि नहीं। नेम टाइटल ज़्यादा बड़ा डालने से भी सप्रेस्ड हो जाएगा, एकदम बड़ा नहीं डालना है, जस्ट उसका हेडिंग और क्या उसका साइज़ है या कलर है, मेन फीचर क्या है जिस, तो मेनली ये चीज़ें पे ध्यान देना है। और अगर आपका नहीं हो तो भी आप मुझे कमेंट कर देना या डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, कुछ लिंक्स मिल जाएंगे आपको फिक्स करने के लिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और याद रखना, 100 लाइक्स, 100 शेयर्स, 100 सब्सक्राइबर्स एंड वीडियो दूसरे भी वीडियोस इस चैनल के देख लेना।